असल दिस इज गाइडिंग चैप्टर नंबर 18 और इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ना है रिगार्डिंग सिमथैटिक न्यूरो ट्रांसमीटर्स अच्छा तो सिम्थैटिक नर्वस सिस्टम के दो तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं वन इज़ नोरेपी नेफरीन एंड द अदर वन इज़ एपी नेफ्रीन ठीक है अब ये कहाँ से रिलीज होते हैं दोनों न्यूरो ट्रांसमीटर सिम्थैटिक नर्वस सिस्टम में और इनका एग्जैक्टली exactly क्या काम है डिफरेंट ऑर्गन्स पे वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट नोरपिनेफ्रीन नॉरेपिनीफ्रीन दो जगह से रिलीज होता है नंबर वन इट इज इस बाय सिंपथैटिक नर्व एंडिंग्स और नंबर टू ये रिलीज होता है एड्रीनल मेडेला सिंपथैटिक नर्व एंडिंग्स और एड्रीनल मेडला दोनों से नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज होता है अच्छा जबकि एपिनेफ्रीन सिर्फ और सिर्फ एड्रीनल मेडला से रिलीज होता है एपिनेफ्रीन सिम्पथैटिक नर्व एंडिंग से रिलीज नहीं होता ठीक है. है अब इस पॉइंट को कहने के दूसरे दो भी एक और तरीका है कि अगर मैं पूछूं कि सिंपथैटिक नर्वस नर्व एंडिंग से कौन से न्यूरो रिलीज होते हैं तो आप कहेंगे ऑनली नॉरेपीफरीन और अगर मैं पूछूं एड्रीनल मेडला से कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो आप कहेंगे नोरपी नेफरीन एंड ऑल्सो एपीनेफरीन ठीक हो गया अच्छा जी नोरपी नेफरीन से बताया से आया और एड्रीनल मेडला से आया और एपी नेफरीन सिर्फ एड्रिनल मेडला से आया अच्छा काम क्या करते हैं जी एड्रीनल मेडला एल्फा एड्रीनर्जी के रिसेप्टर पर लगता है जबकि एपीनेफ्रीन एल्फा रिसेप्टर्स पे भी लगता है और बीटा रिसेप्टर्स पे भी लगता है, Adrenal, uh, sorry, जो है वो और, दोनों पे लगता है, और सिर्फ पे लगता है. अच्छा अब जो एक्शन है ना एपीनेफरी या एपीनेफ्रीन एक्शन क्या करेंगे के वो किस रिसेप्टर के साथ जाके अटैच होते हैं यानी कि अगर एपीनेफरी एल्फा रिसेप्टर्स पे जाके अटैच होगा तो उसका इफेक्ट कुछ और होगा अगर वही एपिनेफ्रीन बीटा रिसेप्टर्स पे जाके अटैच होगा तो उसका इफेक्ट कुछ और होगा ठीक है दैट इज द मेन ट्रैक इस सारी स्टोरी में आज के लेक्चर की नाउ अब नॉर एपिनेफ्रीन एल्फा एडनोजिक रिसेप्टर्स पे जब जाके लगता है तो इट विल इट कॉज वेजो कॉन्स्ट्रक्शन जनरली अगर मैं आपसे पूछूं कि सिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो सिंपथैटिक डिस्चार्ज जब ज़्यादा होता है तो वेजो कॉन्स्ट्रक्शन होती है या डायलेशन होती है तो आपको होगी ये वेजो कॉन्स्ट्रक्शन होती है ठीक है बट द ट्रैक इज नाउ अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो सिंपथाइड डिस्चार्ज ज़्यादा होता है या कम होता है तो आप कहेंगे ज़्यादा होता है जिसकी वजह से मेरा हार्ट रेट भी बढ़ता है हार्ट uh, की फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी बढ़ती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है ब्लड प्रेशर किस तरह बढ़ता है बाय वेजो कॉन्स्ट्रक्शन ओके ज़बरदस्त एवरीथिंग थिंग मेक सेंस एक्सरसाइज कर रहे हो न रिलीज हुआ उसने जाके वेजो कंस्ट्रक्शन करा दी हार्ट रेट ज़्यादा कराया और कॉन्ट्रेक्टलिटी भी ज़्यादा करा दी ना अगर मैं वही पूछूँ कि ओके okay, अगर मैं वेजो कंस्ट्रक्शन करा दूँ उन ब्लड वेसल्स की जो मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं ब्लड तो मसल्स की ब्लड सप्लाई तो कम नहीं हो जानी चाहिए इन द केस ऑफ एक्सरसाइजिंग मसल्स तो ओह यस दिस तो वी वांट कि हार्ट रेट भी ज्यादा हो फोर्स ऑफ फ्रक्शन भी ज्यादा हो ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो बट फाइनली वी वांट कि बेशक विजो कॉन्स्ट्रक्शन हो रही है जनरली बाकी बॉडी के हर पार्ट में मगर जो जो मसल्स हैं या हार्ट का टिश्यू है उन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें वेजोडाइलेशन हो जाए ताकि मसल्स और हार्ट के टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई बढ़ जाए सो दैट इज अ थिंग जो कि होगी थ्रू कॉन्स्ट्रिक्शन तो करवाती है और वही एपीनेफ्रीन जब बीटा एड्रोनर्जिक रिसेप्ट लगती है तो वही एपिनेफ्रिन वेजोडाशन कराती है अब होता क्या कि स्केलेटल <coughs> मसल्स में और हार्ट की make, जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं तो वही एपिनेफ्रीन जो बाकी बॉडी की ब्लड वेसल्स में जाके वेजो कंस्ट्रक्शन करा रही है वही एपिनेफ्रीन स्केलेटल मसल्स और हार्ट की ब्लड वेसल्स के अंदर जाके वेजोडाइलेशन करवाएगी द सेम थिंग डिफरेंट एक्शन अच्छा डिफरेंट एक्शन क्यों हो रही है जस्ट बिकॉज दोनों जगह पे जो रिसेप्टर्स हैं वो फर्क हैं जहां पे अल्फा एनर्जिक रिसेप्टर है वहां पे वो वेजो कंस्ट्रक्शन कराएगी जहां हैं वहां पे वेजो डायशन कराएगी एज इन द केस ऑफ एक्सरसाइज ठीक है अच्छा अब इवन जब अच्छा अब ये जो ये तो हो गया कि जब आप एक्सरसाइज करें अच्छा वन इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि जब एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सरसाइज अभी एक्सरसाइज आपने बहुत ज़्यादा करनी शुरू नहीं की अभी आपके मसल्स का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है इवन बिफोर क्या आपका मसल्स आप, की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़े देर इज़ एंटिसिपेटरी इंक्रीज इन ब्लड फ्लो बॉडी ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि भाई जैसे ही बंदा एक्सरसाइज शुरू करता ही है या करने लगता ही है तो अभी इतनी ज़्यादा मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ी जितनी ब्लड सप्लाई पहले ही बढ़ गई यानी कि बॉडी ने पहले ही एंटिसपेट कर लिया कि भाई इस मसल की जो ब्लड सप्लाई रिक्वायरमेंट है ये बढ़ने वाली है एक दो तीन मिनट बाद तो मैं पहले ही इसकी ब्लड सप्लाई बढ़ा दूँ तो जो एंटिसपेटरी राइज इन ब्लड फ्लो ऑफ द मसल्स है जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज ये सारा मैकेनिज्म होता है वाया हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस क्या करता है हाइपोथैलेमस एक नर्व इम्पल्स भेजता है टू एड्रीनल मंडला के भाई एपिनेफ्रीन को रिलीज कर दो ठीक है और वो एपिनेफ्रीन जाके मसल्स पे लगती है और मसल्स की एंटिसिपेटरी इंक्रीज इन ब्लड फ्लो कर देती है पहले हाँ बाद जब मसल एक्सरसाइज करना शुरू करेगा तो उसकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो फिर मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट या सिंपथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर वो सारे ओवरऑल मैकेनिज्म से भी फर्दर ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी मगर तो हाइपोथैलेमस एंटीसिपेटरी तौर पे ही एड्रीनल में डरा स्टिमुलेशन करा के एपिनेफरिन रिलीज करा देता देते हैं okay? अब आगे चलते हैं तो ये तो इसका इफेक्ट हो गया एपिनेफरन और का ऑन ब्लड वेसल्स अच्छा जी हार्ट रेट में क्या इफेक्ट है भी हार्ट रेट को बढ़ाएगी और एपिनेफरिन भी हार्ट रेट को बढ़ाएगी सिंपल अच्छा ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पर क्या इफेक्ट है सिंपथेरिक डिस्चार्ज में ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स की बेसिकली क्या हो जाती है रिलैक्सेशन ब्रोंकिल स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन हो जाती है जब सिंपथेटिक डिस्चार्ज ज्यादा होता है अच्छा अब वो जो ब्रॉन् स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन करवाने का जो इफेक्ट है वो ज्यादा कौन करता है एपिनेफ्रीन या नॉर एपीनेफ्रीन तो उसमें भी एपिनेफ्रीन का इफेक्ट ऑन ब्रॉक्यूल स्मूथ मसल ज्यादा है रिलैक्सेशन करवाने का हाँ नॉर एपीनेफ्रीन का इफेक्ट भी है बट दैट इज वीकर एज कंपेयर टू एपिनेफ्रीन ठीक है तो एपिनेफ्रीन कॉज रिलैक्सेशन ऑफ ब्रॉक्यूल स्मूथ मसल्स लीडिंग टू इंक्रीज एयर फ्लो इन लंग्स आप एक्सरसाइज चाह रहे हैंटीचार्ज ज्यादा होता है तो आप यही चाहते हैं न कि जो लंग्स के अंदर एयर है वो भी ज्यादा जाए और वो ज़्यादा इसी तरह जाएगी कि ब्रोंको डायलेशन हो जाए और ज्यादा पता रेस्पायरेट रेट भी बढ़ जाए ओके नेक्स्ट इज वी हैव के एपीनेफ्रीन का जो इफेक्ट है दैट इज मोर लोकलाइज और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है शॉर्ट लास्टिंग होता है जबकि एपिनेफ्रीन का इफेक्ट दैट इज मोर वाइड स्प्रेड एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ठीक हो गया तो एपिनेफ्रीन और एपिनेफरीन जो है वो सिंपथेटिक और दोनों से रिलीज होती है एल्फाइड एनर्जिक रिसेप्टर पर सिर्फ लगती है विजोकशन कराती है हार्ट रेट बढ़ाती है स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कराएगी मगर बहुत ज़्यादा नहीं कराएगी एपिनेफ्रीन ज़्यादा कराएगी और नॉर एपिनेफरीन ज़्यादा, ज़्यादा शॉर्ट एक्टिंग और लोकल इफेक्ट है एपिनेफ्रीन का उल्टा क्या है उसका तो वाइड स्प्रेड इफेक्ट है और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है एल्फा और बीटा एनर्जिक रिसेप्टर्स दोनों पे लगती है जब एल्फा रिसेप्टर्स पे लगेगी तो वेजो कंस्ट्रक्शन कराएगी जब बीटर एनर्जिक पे लगेगी तो स्कैल्टर मसल और हार्ट में वेजो डायलेशन करवाएगी एंड ऑल्सो लीड्स टू एंटिसिपेटरी इंक्रीज इन ब्लड फ्लो वाया हाइपोथामस ये भी हार्ट रेट को इंक्रीज कराती है और बड़ी जबरदस्त सी रिलैक्सेशन ऑफ स्मूद मसल्स करवाती है सो so, दिस इज़ एट नॉरेपिन औरपिन क्वेश्चन भी आ सकता है मगर ज़्यादातर इसमें से एम सी क्यूज आते हैं ठीक है तो दिस इज एट सी योर नेक्स्ट पार्ट